देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया है। तेरे सिवा दीन बंधु जगत में मेरा न कोई सहारा रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया है। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में पाया विषम दुख न जाने हजारों। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में पाया विषम दुख न जाने हजारों। तेरी कृपा बिन छूटे न ये बंधन, तेरी कृपा बिन छूटे न ये बंधन। बंदी छोड़ तेरा नाम कह रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया है। देखो फंसी मेरी जीवन नैया भव सागर के किनारे में आकर। देखो फंसी मेरी जीवन नैया भव सागर के किनारे में आकर। कर्णधार बन के निकालो भंवर से, कर्णधार बन के निकालो भंवर से। न तो दास तेरा बहा जा रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया है। प्रबल शत्रु काम आदि पीछे पड़े हैं, भजन साधना आदि में व्यवधान करते। प्रबल शत्रु काम आदि पीछे पड़े हैं, भजन साधना आदि में व्यवधान करते। मन इंद्रिय पंच विषयों में फंस के, मन इंद्रिय पंच विषयों में फंस के सुखद संत संग के विमुख हो रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया है। आशा दुराशा जगत की है सारी, न कोई है अपना वृथा मोह भारी।
आशा दुराशा जगत की है सारी, न कोई है अपना वृथा मोह भारी। अब तो बचा लो कृपागार दुख से, अब तो बचा लो कृपागार दुख से, न मेरा सहाई कोई दूसरा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं, शरण में ये तेरा दास आ गया है। प्रणत पाल मेरी सपद सुधि लेना, यही सदगुरु से अरज है हमारी। प्रणत पाल मेरी सपद सुधि लेना, यही सदगुरु से अरज है हमारी। तेरी दया सत्य उपदेश से जग, तेरी दया सत्य उपदेश से जग, धर्म स्वरूप कृत्य कृत्य हो रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं, शरण में ये तेरा दास आ गया है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं, शरण में ये तेरा दास आ गया है। तेरे सिवा दीन बंधु जगत में, मेरा न कोई सहारा रहा है। शरण में ये तेरा दास आ गया है, बंदी छोड़ तेरा नाम कह रहा है। शरण में ये तेरा दास आ गया है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो सद्गुरु देव जी की ये रचना बहुत ही मार्मिक है, और एक साधक अपने गुरु से बहुत ही विनम्र प्रार्थना करता है कि किस तरह से संसार हमें अपने बंधनों में बांधता है, किस तरह से माया हमें अपने बंधनों में बांधती है, और इसमें दूसरा कोई सहारा नहीं। जीव भटकता है, परेशान होता है, बाहर आसरा खोजता है, लेकिन कोई सहायक नहीं है। सहायक एक सद्गुरु हैं। इसलिए एक और अन्य भजन में कहा है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना,
जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। तो सदगुरु तो कहते हैं जब कोई ना हो तो धर्म ही सहायक है, सदगुरु ही सहायक है। तो इस तरह से हम सब भी अपने जीवन में संसार के साथ उतना ही व्यवहार रखें जितना कि हमें जरूरत है, जितना कि हमें बंधनों में ना बांध सके। बाकी सदगुरु के ज्ञान का ही भरोसा करें। तो सदगुरु कबीर भी हमें तमाम बंधनों से छूटने का रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर हमें तमाम समस्याओं से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। उसी क्रम में सदगुरु एक ऐसे व्यवहारिक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं जो आज खास करके पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित अशिक्षित दोनों के मन में ये भ्रम बढ़ गया है कि कहीं भूत होता है, कहीं प्रेत होता है, कहीं पिशाच होता है, कहीं चुड़ैल होती है। बोलते हैं जब स्त्रियां मरती हैं तो वो चुड़ैल बनती हैं, पुरुष मरते हैं तो भूत बनता है। तो इस तरह से एक भ्रम है लोगों में। तो सदगुरु कबीर उसी भ्रम पर बीजक के 105 नंबर शब्द में कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। सदगुरु कबीर भी इन मामलों को देखे होंगे, लोगों को इस मामले में फंसते हुए देखे होंगे, इसके नाम पर तमाम आडंबर करते हुए देखे होंगे। और वो तो और थोड़ा विकसित जमाना नहीं था तो ज़्यादा ही लोग इस मामले में फंसते होंगे कि यहाँ भूत, वहाँ भूत, इस पेड़ पर भूत, तो वहाँ नदी में भूत, नदी नाले सहित सब आदमी सोचता होगा, देखता होगा। सदगुरु कबीर इसलिए इस भ्रम को मिटाने के लिए, इस आडंबर को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी बात कही। इसलिए साहब ने इसमें जब भूत का नाम लिया है तो उसके पहले ही भ्रम जोड़ दिया है। अर्थात भ्रम का मतलब है जो हो ना और भ्रम हो, मतलब जो है नहीं और भ्रम होना, उसका यथार्थ का ज्ञान होना। जैसे रस्सी अंधेरे में पड़ी है, अब वस्तुतः है तो रस्सी, लेकिन रस्सी में सांप होने का भ्रम होना। अब सांप का भ्रम है तो आदमी डरेगा, और डरेगा तो हो सकता है उस समय बेहोश भी हो जाए। लेकिन वो सांप है नहीं, भ्रम है सांप का, पर वो है रस्सी। एक घटना संत जन बताते हैं कि एक आदमी पहले फूस के छप्पर बनते थे गांवों में, खपड़े लिया फूस के, तो फूस के छप्पर वो बांध रहा था और बांध दिया, बढ़िया सब कुछ हो गया। बांधते क्रम में लगा कुछ हाथ में काटा है, ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई कीड़ा मकोड़ा काटा होगा, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। एक साल बाद दूसरी बारिश में जब वो देख रहा है कि छप्पर में पानी चूने लगा है, तो फिर से वो चढ़ा, छप्पर को उजाड़ा और वो फिर से बांधना चाहा, तो जहाँ पर उस जैसे ही उजाड़ा और जिस जगह उसको ध्यान आ गया कि यहाँ मैं पिछले बार जब छप्पर बना रहा था तो यहीं मुझे कुछ काटा था लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो जैसे ही उठाता है तो देखता है सांप की हड्डियाँ उसको दिखी, मतलब मांस तो गल गए थे, सांप के सिर्फ कंकाल थोड़ा सा बचा था। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उसको एक साल पहले का समय याद आया और सोचता है, अरे ये तो सांप काटा था मुझे और मैं ध्यान भी नहीं दिया। इतना भय हुआ उसे कि उस समय वो बेहोश हो गया। एक साल बाद अब डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, इंजेक्शन दिया, किसी तरह हालत सुधरी। तब लोगों ने कहा हुआ क्या था, उसने कहा कुछ नहीं, बस पिछले साल जब मैं छप्पर बांध रहा था तो कुछ काटा था, मैं ध्यान नहीं दिया, और इस बार जब उसी जगह मैं वापस उसको हटाया तो वहाँ सांप का कंकाल में और मैं भयभीत हो गया और भय से मैं अपने आप पर नियंत्रण खो दिया और ये हाल हो गई। तो लोगों ने कहा कि बात सच है, जब उसे पता नहीं था तो सांप काट भी लिया और निश्चय ही वो सांप बिना जहर वाला रहा होगा, क्योंकि जहर वाला होता तो उसको पता चलता ना चलता दुनिया को पता चल जाता।
कि हाँ उसको सांप ने काटा है, तो उसको भले पता ना चलता, लेकिन वो जहर वाला सांप नहीं रहा होगा निश्चय ही। लेकिन आदमी को सिर्फ इतना हो जाता है कि सांप है, भय हो जाना स्वाभाविक है, कोई भी सांप हो। अब इतनी परख तो सब नहीं कर सकते कि कौन जहर वाला है कौन बिना जहर वाला है। तो उसको भ्रम हुआ कि एक साल बाद उसको विष चढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो उसका जो जहर वो शरीर में ही भय से तैयार हुआ, भय से ही वो विक्षिप्त हुआ, भय से ही बेहोश हुआ, भ्रम में बेहोश हुआ। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी जैसे कई लोग होते हैं, कहीं जा रहा है रास्ते में कोई बगीचा मिल गया, उस बगीचे में वो बैठता है, विश्राम करता है, दोपहर का समय है और वहाँ भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करके वापस घर आता है, घर आने के एक घंटे बाद कोई कह दिया कि तुम कहाँ विश्राम किया था, बगीचे में अकेले बैठा था। हाँ, तो तुम जहाँ बैठे थे वहाँ रोज़ रात में भूत नाचता है और जो भी वहाँ जाता है उसको पकड़ लेता है। अब जब तक उसको पता नहीं था कि वो भूत वाली जगह है या मरघट वाली जगह है, तब तक वो ध्यान नहीं दिया था। वो वहाँ बढ़िया भोजन किया, वहाँ विश्राम किया और आनंद से घर लौट आया, कुछ नहीं हुआ। अगर भूत का वास वहाँ सच में होता तो जब वो खा रहा था तभी भूत पकड़ लेना था, नहीं पकड़ा। जब घर आया किसी ने कह दिया कि तुम जहाँ बैठे थे, तुम जहाँ पर भोजन कर रहे थे, वो वस्तुतः मरघट थी, वस्तुतः वहाँ रात में भूत नाचता है, अब उसको भूत लग गया। एक घंटे बाद अब उसे भूत का ध्यान आया, अब वो परेशान है, पीड़ित है और पीड़ा में अब वो डॉक्टर आ रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही है। तब किसी ने कहा नहीं नहीं भूल हो गई, तुम जहाँ बैठे थे वो मरघट नहीं था, उसके आगे था, अब वो फिर ठीक हो गया। ये भ्रम है, तत्काल महसूस होता है कि हम भ्रम है कि हकीकत है, वो आदमी उसमें चक्कर में पड़ जाता है, तत्काल उसको वही लगता है। अब वहाँ वो बैठा, मान लीजिए चूल्हे में आग है, किसी को पता नहीं है कि आग पर कुछ कपड़े ऊपर से चूल्हा पर ढक दिया गया या कुछ घास फूस रख दिया गया, नीचे आग है। अब किसी को पता नहीं है, अब वहाँ कोई आदमी जाके पैर डाल देगा तो क्या होगा, तुरंत ही जलेगा ना, बाद में थोड़े जलेगा। वो वस्तुतः आग है वहाँ तो तुरंत ही जलेगा पैर, और अगर नहीं है तो दो दिन बाद भी क्यों जलेगा। तो अगर वहाँ भूत वास्तव में है तो तुरंत ही पकड़ेगा ना, कि दो दिन बाद पकड़ेगा। तो भ्रम इसी का नाम है कि किसी ने कह दिया कि ये मरघट है, किसी ने कह दिया कि ये शमशान है, अब आदमी को बुखार शुरू हो जाता है, अब उसका पारा चढ़ जाता है। अरे हम तो शमशान में बैठे थे, हम तो मरघट में बैठे थे साहब ने, इसलिए ये भ्रम भूत कह दिया, ये भ्रम का भूत है। अगर पकड़ना ही होता तो हम लोग को भी पकड़ लेता, हम लोग तो मरघट में दो घंटे बिताए, कभी नहीं पकड़ा। साहब ने कहा है वस्तुतः भूत होता ही नहीं है। अब इस पर हमें ये विचार करना है, जैसे हमने कह दिया नहीं होता है और कोई कह दिया होता है, अब इसमें नहीं और हाँ के बीच हमें कैसे पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। तो जैसे शास्त्रों के अनुसार या वर्तमान में जो हम अनुभव करते हैं, जो हम देखते हैं, विचार करें कि जब तक शरीर में जीव है तब तक कोई शरीर को भूत नहीं कहता, ना तो इसको कोई मुर्दा कहता है। अभी अगर किसी जिंदा आदमी को कोई मुर्दा कह दे तो उस पर मानहानि का केस हो सकता है, क्योंकि वो जिंदा है। तो जब शरीर में जब तक आत्मा है, शरीर में जब तक जीव निवास कर रहा है, तब तक शरीर जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, तब तक हम उसको जिंदा ही कहेंगे। लेकिन जब शरीर से जीव निकल गया, शरीर से आत्मा निकल गई, तो शरीर को तो जला दिया, शरीर को गाड़ दिया या जला दिया, शरीर के जो तत्व थे मिट्टी पानी आग हवा, वो सब आपस में मिल गए। मिट्टी का अंश मिट्टी में चला गया, पानी का पानी में चला गया, हवा का हवा में चला गया, आग का आग में चला गया, सब चला गया। और जो जीव है वो अपने कर्म के अनुसार दूसरे जन्म में चला गया, दूसरे शरीर में चला गया। शरीर जल के राख हो गया,
जीव दूसरा शरीर धारण कर लिया, अब बीच में तीसरी कोई वस्तु बची ही नहीं जो भूत बनेगी, तो फिर भूत आया कहाँ से? विचारने की बात है, आखिर कौन सी चीज भूत बन गया? तो एक आदमी जो मैंने बताया ना आपको कि भूत पर मेरा एक वक्तव्य है, तो एक आदमी कमेंट किया था कि जो आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है वो भूत बनता है। अब इसका भी कोई तथ्य नहीं है। मान लीजिए अकाल मृत्यु क्या होता है? हाँ, असावधानी में कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन मृत्यु कभी भी होगी तो जीव के संस्कार तो बने हुए हैं। जैन धर्म तो ऐसा ही मानता है कि जीव जैसे ही शरीर को छोड़ता है दूसरा शरीर धारण करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े को धारण करता है, इसी तरह जीव अपना पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। अब यहाँ एक बात समझ लेनी कि जैसे कोई आदमी अपना पुराना कपड़ा छोड़ता है और नया धारण करता है, इस बीच में कितना का अंतर होता है? ऐसा तो है नहीं कि आज पुराना कपड़ा छोड़ दिया, दो दिन तक ऐसे ही घूमते रहे तब नया कपड़ा धारण किए, ऐसा कोई नहीं करता। नया कपड़ा ही पहले लपेटते हैं तब पुराना को छोड़ते हैं, आदमी ऐसा ही करता है, कोई भी आदमी, कि पुराना का त्याग हम करते हैं और नया तुरंत धारण करते हैं, अर्थात क्षण भर का भी गैप नहीं होता। श्री कृष्ण इसी को कहते हैं कि जिस तरह से लोग पुराने कपड़े छोड़ते हैं नया धारण करते हैं, जीव की स्थिति यही है कि जीव अपना शरीर छोड़ता है, जिस शरीर का कर्म संस्कार सब पूरे हो गए या फिर कुछ शरीर उस लायक नहीं रहा जीव के लायक, असावधानी पूर्वक हमने शरीर को छत विछत कर दिया, तो जीव उसको छोड़ देता है, नया शरीर धारण करता है। तो जीव तो दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरे जन्म में चला गया, शरीर को लोगों ने जला दिया, गाड़ दिया, अब तीसरी चीज क्या बच गई जो भूत बनेगा? तीसरी चीज तो कुछ बची नहीं जो भूत बन सके। तो साहब इसलिए यहाँ कह दिए ये भ्रम भूत, पहले ही साहब ने लगा दिया अक्षर विशेषण भ्रम, कि ये भ्रम है, सत्य नहीं है। तो ये भ्रम भूत सकल जग खाया, इसमें क्या पढ़े लोग क्या अपढ़ लोग, क्या धनी क्या गरीब, क्या ग्रामीण क्या शहरी, सभी लोग इस भ्रम में पड़े हैं। सबको लगता है भूत होते हैं और ये लोगों को पकड़ते हैं, जिसमें ऐसा माना गया है कि मैंने कहा जो स्त्रियां मरती है तो वो चुड़ैल बनती है ऐसा मानते हैं लोग, और पुरुष मरते हैं तो वो प्रेत बनते हैं, और जो ब्राह्मण मरता है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, ऐसी परिकल्पना की गई है। वस्तुतः भूत आदमी जिंदा में ही भूत है, जिंदा आदमी भूत से कम है क्या? भूत कौन है आप उसकी परिकल्पना कीजिए, भूत कौन है? हमने जो भूत की कल्पना की है कि वो किसी को पकड़ लेता है, किसी को सताता है, किसी को छेड़ता है, यही तो भूत की परिकल्पना है। और जिंदा आदमी ऐसा पहले से कर रहा है तो भूत से कम तो नहीं है। तो साहब कहते हैं वस्तुतः जिंदा आदमी ही भूत है, मरने के बाद कौन भूत बनेगा? जब चेतना ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो भूत कैसे बनेगा, वो क्या करेगा? आदमी जीते जी भूत बना हुआ है, इसका ख्याल नहीं करना है। आदमी जीते जी प्रेत बना हुआ है, किसी को कह देते हैं ना कई बार कि क्या भूत जैसा व्यवहार कर रहा है या क्या मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा है, जो शब्द हम गढ़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए। या कई बार जो बहुएं हैं नई नई, जो वापिस अपने मायके जाती हैं और कुछ अच्छा नहीं लगा सास माँ का व्यवहार, तो अपनी माँ से कह देती हैं कि क्या बताएं, हमारी सास माँ तो चुड़ैल है, चुड़ैल और डायन है, ये शब्द चुनते हैं, और इस जन्म की भी अगले जन्म की भी एकदम पूरा दो तीन जन्म का लेखा जोखा बता देती। तो ये उदाहरण क्यों दिया जाता है? अर्थात जो परिकल्पना हमने चुड़ैल के लिए किया है, जो परिकल्पना हमने डायन के लिए किया है, वो सारी आदतें आज जिसके जीवन में मौजूद है, वो सारी आदतें जिसके पास है, उसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए साहब ने पहले ही कह दिया ये भ्रम भूत सकल जग खाया, संपूर्ण जग को ये भ्रम का भूत खा लिया है, सबको अपने अधीन कर लिया है। और इससे होता क्या है, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जो जो इसको पूजा है, जो इसको माना है,
जो इसको मानता है, जो इसको पूजता है, वही इसमें ठगाता है, दूसरा कोई नहीं ठगाता। अब जैसे ज़्यादातर भूत आप देखेंगे माताओं को ही पकड़ता है, पुरुषों को कम पकड़ता है। माताओं में भी किस माता को, लक्ष्मीबाई को भूत पकड़ा था कभी? पकड़ ही नहीं सकता। माता सीता को कभी नहीं पकड़ सकता। जो जिसने अपने विवेक को जागृत किया है, अपनी चेतना को जागृत किया, उसको भूत नहीं पकड़ेगा। और तो और, चलिए आदमी को तो छोड़ दीजिए, मरघट में गाय बैठी रहती है, भूत कभी नहीं चढ़ता उस पर। बैल बैठे रहते हैं, उस पर कभी भूत नहीं चढ़ता। कितनी चींटियाँ घूमती रहती, उस पर भूत नहीं चढ़ता, उसको हिम्मत ही नहीं उस पर चढ़ जाए। भूत उसी पर चढ़ता है जो पहले से ही भ्रम मान लिया है। अब कहीं लकड़ी का ठूंठ खड़ा है, सूखी लकड़ी, आदमी को लगाए भूत है। एक बार एक आदमी कहा, हम भूत उतना ही मानते हैं। कहा ठीक है, प्रैक्टिकल बताओ, ऐसे थोड़े मान लेंगे। कहा क्या करना होगा? कहा रात को 12 बजे तुमको मरघट जाना होगा, वहाँ एक खूंटा गाड़ के आना होगा, हम लोग सुबह जाके देख लेंगे कि तुमने गाड़ा है। कहा ठीक है। वो गया, साहस करके तो गया, भीतर से तो डर लग ही रहा था, लेकिन सोचा थोड़ा लोगों में हमारी पैठ बन जाएगी, थोड़ा यश कीर्ति हो जाएगी, आदमी बड़ा बहादुर है। यद्यपि था नहीं, किसी तरह संभाल के गया। वो खूंटा लिया, भीतर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहा है। किसी ने समझा दिया था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करोगे तो भूत नहीं आएगा, और लोग इसलिए ही पढ़ते भी हैं। मैंने एक दिन और कहा था कि हनुमान चालीसा लोग भूल जाएं यदि भूत का भ्रम ना हो तो। हनुमान जी का नाम ही इसलिए लेता है क्योंकि भूत से बचना है, और अक्सर आदमी वहीं लेता है जहां भूत का खतरा है। आदमी शहरों में अगर कहीं गार्डन में बैठा है तो वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, शादी विवाह में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, जन्मदिन पर नहीं पढ़ता है। वो पढ़ेगा कहां? जब सुनसान गली से निकल रहा है, जब अकेले रास्ते में है, मरघट है या बगीचा है, तब आदमी को ध्यान आता है, तब वह गाना भूल जाता है। पहले फिल्म का गीत गा रहा था बढ़िया, कान में ईयरफोन लगे थे, फिल्म गाने सुन रहे थे, जैसे ही उसको डर लगा कि अब हम मरघट में आ गए हैं, अब ईयरफोन निकाल देता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हूँ लोक उजागर, शुरू हो गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी तरह मन को हिम्मत दिया हनुमान चालीसा से, किसी तरह शक्ति मिली, निकल गया हनुमान चालीसा, भूल गया, अब याद नहीं। हनुमान चालीसा को याद ही इसलिए करता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो वो आदमी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गया, सोचा अब तो हम लगभग पहुंच ही गए हैं, अब तो मामला हो जाएगा ठीक ठाक, लोग हमें भी मानेंगे कि ये बहादुर है। अब वो खूंटा गाड़ने लगा, हड़बड़ी में था, डर तो था ही, भीतर से कंपन तो हो ही रही थी, ठंडी का समय था, पर पसीना भी आ रहा था। अब ठंडी में पसीना किसको आता है, जो डरता है। और वो खूंटा गाड़ा, और गलती से जो लुंगी पहन के गया था उसी के एक छोर पर गाड़ दिया, ध्यान नहीं रहा। और जब वहां से चलने लगा तो लगा कोई पकड़ लिया है हमको। अब वो तो बेहोश हो गया, चिल्लाया पहले जोर से कि मुझे भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। चूंकि मुश्किल से संभाल के तो गया था, वो कितना सावधानी से गया था, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गया था कि हम किसी तरह खूंटा गाड़ें और भागें, लेकिन इसी हड़बड़ी में वो अपने लुंगी पर ही एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया। अब वो ये थोड़े देख पाया कि खूंटा मेरी ही लुंगी पर गड़ गया है, उसको तो यही लगता है भूत ने मेरा लुंगी पकड़ लिया है। अब वो वहीं गिर गया चिल्लाते हुए, लोग लगे थे, दौड़े, गया देखा, टॉर्च जलाया, कहा उठो उठो, कहा नहीं मुझे भूत ने पकड़ लिया, एकदम छटपटा रहा है। उठा के उसको लोग लाए, उसके बाद बताया कि तुम्हें भूत नहीं पकड़ा था, तुमने अपनी लुंगी पर ही खूंटा गाड़ दिया था। तब उसको जान में जान आई, कहा बस हो गया, इतना ही साहस है, भ्रम उसको बस हुआ था। वस्तुतः कोई भूत उसको पकड़ा नहीं था, लेकिन उस भ्रम ने उसके भीतर इतनी हलचल पैदा कर दी कि उसका मन, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा, वो घबराने लगा। और इसी हलचल में प्राण भी चले जाते हैं लोगों के, हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। अत्यधिक भय, भयाक्रांत का वातावरण हो जाए, अत्यधिक भय का कोई माहौल बन जाए, तो आदमी का प्राण भी चला जाता है। यही भ्रम है। साहब ने कहा जिस जिस ने भ्रम को जगह दी है, जिस जिस ने भ्रम को माना है, वो इसके चक्कर में पड़ता है और वही ठगाता है, दूसरा नहीं ठगाता। जो भ्रम को मानता है, भूतवा के पुजले भूतवा हो ही, साहब ने कहा है कि भूत के नीचे के लाइन में, कि जो भूत को पूजता है वही भूत को होता है, भूत वही बनता है। आप पूजा ही ना करें, भूत नहीं बनेंगे।
तो साहब ने कहा कि पहली बात तो ये भ्रम है, भूत होता नहीं, और हम लोग तो चैलेंज करते हैं, अगर कोई कहता है भूत होता है तो दिखाओ मुझे कहीं भी, हम तो मरघट में कई बार खोजे कहीं नहीं मिला। अब अगर किसी को लगता है होता है तो ले चलिए रात को 1 बजे 2 बजे 11 बजे जहाँ जब ले चलना है, और अगर होगा तो मान लेंगे, फिर हम भी दुनिया को बताएंगे हाँ भाई होता है, पर हमने ना देखा ना इसके संबंध में कुछ जाना है। एक बार इस बात पर मुझे घटना याद आई कि जो समस्या जीवन में है ही नहीं, अगर हम उसका समाधान खोज रहे हैं तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा इस राज्य का वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी पहुँचे, बड़े बड़े समझदार पहुँचे, सबका इम्तिहान हुआ, उसमें से 3 लोग पास हुआ। 3 लोग पूरे राज्य से जहाँ लाखों लोग आए 3 ही पास हुए। वो 3 को फिर राजा ने बुलाया, कहा अब आखिरी इम्तिहान तुम्हें देना है। कहा क्या? कहा एक कमरे में हम तुम 3 को बंद कर देंगे और बाहर से हम एक ताला लगा देंगे, और तुम्हें अपने विवेक से अपने गणित से उस ताले को खोलना है, उसकी चाबी हम तुम्हें नहीं देंगे। 3 ने कहा ठीक है कोशिश करेंगे। राजा ने 3 को बंद कर दिया। 2 आदमी बैठा रहा, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए, और वो 2 आदमी सोचता रहा। वो 2 जो थोड़ा, वो थोड़ा चालाक भी था, वो बहुत सारे किताबें छिपा लाया था, जैसे आजकल एग्ज़ाम में, अब तो CCTV कैमरों के निगरानी में एग्ज़ाम होते हैं, अब तो थोड़ा मुश्किल है, पहले लोग चीट पुर्जे बना करके ले जाते थे, पुस्तकें ले जाते थे और देख देख के लिखते थे, अब थोड़ा कठिन हो गया है। तो वही काम उसने भी किया, क्योंकि इम्तिहान दे रहा था, वो बहुत सारी किताबें ले गया था। वो उलटने लगा कि कहाँ समाधान मिलेगा, किधर उत्तर मिलेगा, कैसे हम बिना चाबी के ताला कैसे खोलें, वो भी बाहर है ताला, अंदर होता तो तोड़ ताड़ के निकल जाते, अब ताला बाहर लगा है, क्या उपाय हो सकता है। तो कुछ देर वो हिसाब किताब लगाया, और एक 3रा आदमी था, वो 1-2 मिनट ही सोचा, उसके बाद वो बिछौना लगाया, चादर तान के सो गया। दोनों ने सोचा ये आया ही क्यों है जब सो ही रहा है। 3रा आदमी चुपचाप सो गया बढ़िया गहरी नींद में, और ये दोनों किताबें उलटते रहा, सारे शास्त्र उलटते रहा, किस में उत्तर मिलेगा किस में मिलेगा, इस तरह से उलटते उलटते पूरा किताब जितना लाया था छान डाला। और वो जो 3रा जो सो रहा था अचानक उठा और वो बाहर निकल गया। इन दोनों को पता भी नहीं चला कब निकल गया, वो सोया था उठा बाहर निकल गया, और ये दोनों किताब उलट ही रहा है। सुबह होने लगी, राजा आया, दरवाज़ा खोला, कहा बंद करो ये सब। कहा क्या हुआ, मैं तो रास्ता खोज रहा हूँ। कहा रास्ता जिसने खोजना था खोज लिया है। कहा कैसे, वो तो सो रहा था, मेहनत तो हम कर रहे थे, हम रात भर किताब उलट रहे हैं। कहा किताब हम कभी बंद ही नहीं किए हैं, देखिए इतनी सारी किताबें लेके आए थे, हम इतने सारे समाधान खोज रहे हैं, वो तो चादर तान के सो गया था, भला वो कैसे ताला खोल दिया। राजा ने कहा यही तो भूल हो गई तुम्हारी। तो 3रे से कहा भाई तू बता तू कैसे खोल लिया, तुम तो सो गए थे। कहा मैं सो इसलिए गया था कि पहली बात तो मैं ये सोचा कि जो ताला ही बाहर से लगा उसको भीतर से हम खोलेंगे कैसे, इसे चुपचाप सो जाना है, क्यों दिमाग लगाना फालतू, ताला तो खुलेगा नहीं, तो नींद भी खराब क्यों करना, सो गए। फिर सोते सोते अचानक ख्याल आया क्यों ना एक बार दरवाज़ा पर लात मार के देखा जाए, क्या पता ताला लगा ही ना हो, हम इधर किताब उलट रहे हैं पता चला ताला ही ना हो दरवाजे पर। और यही ख्याल आया, मैं उठा लात मारा, दरवाज़ा खुल गया और मैं बाहर निकल गया। राजा ने कहा यही तो मैं जानना चाहता था कि जो समस्या है ही नहीं तुम उसके समाधान में लगे हो, क्या तुमने कभी कोशिश की है कि हम पहले ये जान लें कि वस्तुतः जो समस्या बताई गई है वो है भी कि नहीं। ऐसी ही घटना हमारे साथ घटी, गाड़ी खड़ी थी उसमें कुछ सामान रखा था, वो गाड़ी अनलॉक थी, लॉक नहीं थी, और चाबी मिल नहीं रही थी, उसमें कुछ सामान निकालना था। अब 2 घंटे परेशान होकर चाबी खोजते रहे, पूरा छान डाले हर जगह, और सामान लेना जरूरी था लेकिन मिला नहीं, चाबी मिली नहीं। अंत में तब ध्यान आया 2 घंटे बाद, क्यों ना एक बार ऐसे ही ट्राई मारे, क्या पता गाड़ी अनलॉक हो। और जब गए देखते हैं गाड़ी सच में अनलॉक है,
अब जो काम तत्काल होना था वो 2 घंटे बाद हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल होता ही नहीं है हम उसका उत्तर खोजने लग जाते हैं, जो प्रश्न ही नहीं है हम उसके उत्तर में लग जाते हैं। और ये सबसे कठिन काम है जीवन का कि जो वस्तुतः प्रश्न ही नहीं है अगर आप उसके उत्तर खोजने में लगेंगे तो समाधान जीवन में कभी नहीं मिलेगा। उस राजा ने भी कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की ही परीक्षा ले रहा था कि वस्तुतः जो है ही नहीं उसका समाधान कहाँ से निकालोगे। एक बार ऐसे ही ट्राई तो मारना था, कोशिश तो करना था, लात मारा दरवाजा खुल गया। ऐसे ही जो भूत है ही नहीं उसका समाधान कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो ओझा बैगा लोग होते हैं वे लोग भरमाते हैं तो लाखों रुपए खर्च करवाते हैं, समाधान मिलता नहीं है। बहुत जगह है और जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ तो और ज़्यादा है, और बहुत जगह तो जो शिक्षित लोग हैं वो भी इसमें लगे रहते हैं, उनको भी लगता है कि भूत है, प्रेत है, ग्रह है। इसलिए ज़्यादातर शिक्षित लोगों को आप देखेंगे वो अंगूठियाँ पहने रहते हैं। जो बेचारे शिक्षित कम हैं वो तो कम से कम अंगूठी उतना नहीं पहनते, पर जो जितना अधिक शिक्षित हैं वो भूत को भी बस में करने वाली अंगूठियाँ पहने रहते हैं, वो ग्रह को, राहु केतु को बस में करने वाले, शनि को बस में करने वाले। अब किसी पंडित जी ने कह दिया तुम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया, अब वो आदमी बेचारा पागल घूम रहा है कि हम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया। अब इतना भी विचार नहीं करता कि पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा शनि ग्रह है, वो टेढ़ा होगा तो पूरी पृथ्वी चौपट हो जाएगी। एक आदमी पर टेढ़ा होगा डायरेक्ट, और अगर एक आदमी पर एक छोटा सा पत्थर भी मार दो तो सिर फूट जाता है। शनि ग्रह टेढ़ा वो जिंदा घूम रहा है। और उससे भी बड़ा मजाक क्या होता है कि पंडित जी ने अंगूठी दे दी, अब इसी अंगूठी से वो वहाँ जाके सीधा भी हो गया, मतलब एक छोटी सी अंगूठी से ग्रह सीधा भी हो गया। तो ये मजाक भी चलते हैं और व्यक्ति इन भ्रमों में फंसता है। वस्तुतः होता कुछ नहीं, अंगूठी पहनने से क्या होता है, शौक के लिए पहनिए कोई बात नहीं, लेकिन वो भी जब आप उंगली में अंगूठी पहनते हैं और जब आटा भिंगाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें जमी हुई गंदगी आपके भोजन में जाती है। इसलिए जितने भी आभूषण पहनने हैं हाथों के अलावा पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथों का असली जो गहना है वो सेवा है, हाथों का असली गहना है वो माता पिता गुरु की सेवा है, समाज राष्ट्र की सेवा है। यदि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो इन हाथों की खूबसूरती उसी में है। तो संत कहते हैं कि चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे ग्रह हो, चाहे दिशा का भ्रम हो। कई लोग तो ये मानते हैं भूत के साथ साथ, भूत का भ्रम तो है ही कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब अपशकुन हो जाएगा, और उधर गाड़ियां रुक गई, इधर गाड़ियां रुक गई। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये आदमी बिल्ली से भी ज़्यादा गया बीता है, बेचारी छोटी सी बिल्ली, उसको इधर जाना था चली गई, अब ये अपशकुन हो गया। अब आदमी इतना बड़ा गाड़ी लेके खड़ा है, इतना बड़ा शरीर है, बिल्ली इधर से उधर चली गई तो अपशकुन हो गया। जबकि उल्टा होना चाहिए, बिल्ली को डरना चाहिए कि आदमी आ गया मेरा अपशकुन हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक तो आदमी है, बिल्ली तो कुछ करती नहीं। लेकिन अपशकुन उल्टा आदमी को ही होता है। तो आदमी इन्हीं भ्रमों में पड़ करके अपने आप को अपने आप से दूर कर लिया है। जब हम खुद से ही खुद को दूर कर लेते हैं तो जीवन में वो अनुभूतियाँ हमें नहीं मिल पाती जिसके लिए शरीर मिला है। संसार की सारी अनुभूतियाँ हम ले लेते हैं, संसार के सारे ऐश्वर्य हम इकट्ठा कर लेते हैं, पर जब कभी हम नेत्र बंद करके अपने बारे में निहारते हैं तब लगता है कुछ तो कमी है जीवन में। और वो सबसे बड़ी कमी शांति की होती है। धन से सुविधाएं हम बड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, एक से क्वालिटी की सारी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें हम इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने से ही दूर हैं, स्वयं के ही पहचान से दूर हैं, अपने भीतर की पवित्रता और व्यक्तित्व को निखार नहीं पाए तो हम शांति से दूर रहते हैं। और वही शांति जब जीवन में नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। तो साहब ने कहा ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जो इसके चक्कर में पड़ा वही ठगाया। अंड न पिंड न प्राण न देही। अब साहब यहाँ कहते हैं ठीक है, अगर लोग कहते हैं भूत होता है तो भूत का कोई अंड अर्थात बीज भी तो नहीं है, बीज रूप में नहीं है, अंडे रूप में नहीं है, और पिंड में भी नहीं है अर्थात स्थूल शरीर में भी नहीं है, और न प्राण है, श्वास लेने की शक्ति है, न वायु, कुछ तो नहीं है, और न तो देही अर्थात जीव है। देह में जो रहता है उसको देही कहते हैं, जो इस शरीर में रहने वाला है उसको शरीरी कहते हैं, जो इस
क्षेत्र में, शुद्ध शब्द है क्षेत्र, उसी का अपवंश हो गया है खेत, जो हम लोग खेत बोलते हैं ना, तो उसका असली शब्द है क्षेत्र जो संस्कृत में आया है, और उसमें निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में निवास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है, देह में रहने वाला चेतनात्मा देही है। तो साहब कहते हैं ना अंड है, ना वो बीज रूप में है, ना स्थूल रूप में है, ना उसमें प्राण है और ना ही उसमें जीव है। फिर कोटि कोटि जीव कौतुक देही, फिर भी करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस भ्रम में पड़ करके इस तमाशे में अपने आप को झोंक रहे हैं। ये तमाशा ही तो है और कुछ नहीं। तमाशा का मतलब नाटक, जो सच में नहीं है, जो दिखता है लेकिन है नहीं। अब नाटक में आदमी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है कि देखने वाले की आंख में आंसू आ जाए, लेकिन वो वास्तव में वैसा है नहीं, हकीकत में वैसा नहीं होता। अब एक साधारण आदमी नाटक में राजा बना बैठा है, करोड़ों की संपत्ति है, हीरे हैं, सोने हैं, चांदी है, घोड़े हैं, हाथी है, वो राजा बना बैठा है, और जब पार्ट खत्म हो जाता है, उसका रोल खत्म हो जाता है, तो 200 रुपये के लिए झगड़ा करता है कि तू मुझे 200 रुपये कम दिया। अब वो नाटक में तो राजा बना बैठा था, सब कुछ था उसके पास, हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन जब नाटक खत्म हुआ, अब वो 200 रुपये के लिए बेचारा परेशान है। तो वास्तव में वो नाटक कर रहा था, नाटक कभी सत्य नहीं होता। साहब ने कहा ये जो भ्रम का नगर है, ये नाटक ही है, ये तमाशा ही है, और इसमें हम पड़े चले जा रहे हैं। इस नाटक से हमें छूटना है, इस तमाशा से छूटना है। हम बाहर जहाँ भी देखते हैं इन आँखों से, वो एक तमाशा ही है, जिसका समय निर्धारित है। हर जीव का समय निर्धारित है, हर व्यक्ति का समय निर्धारित है। आज जो कुछ हमें जिस रूप में नज़र आ रहा है, कल भी इसी रूप में रहेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। जो शरीर इतना स्वस्थ लग रहा है, अचानक कल रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है। जो आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, हम अंदाज लगा लेते हैं कि बीमार है और अत्यधिक बीमार है, कुछ दिन में इसके प्राण छूट जाएंगे, लेकिन कई बार हम अंदाज़ा लगाते हैं और वो दो दो चार चार महीना, छः महीना, साल भर नहीं छूटता, क्योंकि कर्म का फल भुगतना होता है, इसलिए जिंदा ही रहता है, पूरा कष्ट भोगता रहता है, लेकिन जीव निकलता नहीं। और कई बार स्वस्थ शरीर, जिसको हम कहते हैं कल तक तो बढ़िया था, हंस रहा था, बोल रहा था, ना शुगर था, ना ब्लड प्रेशर था, ना कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक खबर आती है कि वो आदमी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या रोग था? कुछ नहीं था। साहब कहते हैं ये तमाशा ऐसा ही है, जो दिख रहा है वो वास्तव में वैसा नहीं है। आज जो कुछ सही दिख रहा है, उसके पीछे का हकीकत कुछ और ही है। मैंने एक दिन कहा था ना कि एक कैमरा सामने लगा है, तो एक कैमरा जो देख रहा है यही सत्य नहीं है। इस कैमरे में हमारा आपका जो फोटो आएगा, हमारी आपकी जो तस्वीर आएगी, वो बाहर की आएगी, इसके सामने जैसा का तैसा ये ले लेगा, लेकिन इसी कैमरे को हटा के यहाँ एक्सरे मशीन रख दिया जाए तो कंकाल दिखेंगे, हम आप भी कंकाल दिखेंगे, फिर ये जो बाहर आ रहा है वो नहीं दिखेगा। वो हकीकत है, दोनों के पास आँख है, कैमरे के पास भी, एक्सरे मशीन के पास भी, लेकिन एक बाहर देख रहा है, एक भीतर देख रहा है। तो जो भीतर देख रहा है वही सच है, वही ओरिजिनल है, बाहर तो सिर्फ आवरण ढका है। तो जो जगत हमें दिख रहा है ये तमाशा रूप में है, ये खेल के रूप में है, और इसी में तमाम भ्रम भी है, इसी में माया भी है, भ्रम भी है, तमाशा भी है, नाटक भी है। लेकिन जो अपने भीतर की दृष्टि को जागृत कर लेता है, वो इस संसार की सच्चाई को देख पाता है। जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था ना कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी महाभारत काल में, ताकि धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुन सके। जैसे आजकल क्रिकेट का मैच चलता है तो आंखों देखा हाल कमेंट्री होती है, तो महाभारत का युद्ध की कमेंट्री संजय कर रहा था धृतराष्ट्र के लिए कि अब देखिए इसने बाण चलाया, उसने चलाया, वो मरा, वो जिया, इस तरह से वो पूरी कमेंट्री सुनाता रहा। वो दिव्य दृष्टि की बात है। अब वस्तुतः वो दिव्य दृष्टि क्या है? ऐसी कोई दृष्टि नहीं है कि हम यहाँ बैठे रहें और बगल गाँव का
सारी चीज़ें हम देखने लगें। हाँ, ये तब संभव है जैसे मोबाइल से हम वीडियो कॉल करेंगे तो देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी की सहायता से हम वीडियो कॉल से हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हम आँखें बंद करेंगे और कहीं का दृश्य देख लेंगे तो हम वो देखेंगे जो हम देख के आए हैं, जो हम कभी देखे ही नहीं, उसको हम कैसे देख लेंगे। तो ये नाटक है जगत, इसमें दिव्य दृष्टि जब जग जाती है, वो दिव्य दृष्टि है ज्ञान की, वो दिव्य दृष्टि है विवेक की। तो वो जब विवेक की दृष्टि जगती है तो हम संसार को सच सच में देखते हैं, सत्य सत्य में देखते हैं, फिर भ्रम नहीं रह जाता। तो आगे साहब कहते हैं, और इसी भ्रम के नाम पर, इसी भ्रम के लिए बकरी मुर्गी की नहुं छेवा, बकरी मुर्गी की हत्या होती है, लाखों करोड़ों पशुओं की बलि दे देते हैं ताकि भूत ना आए घर में। कितनी बड़ी विडंबना है कि भूत से बचने के लिए हम प्राणियों की हत्या कर रहे हैं। अब जिसकी हम हत्या कर रहे हैं उसका पाप कहाँ जाएगा? आगल जन्म इन अवसर लेवा, ये आगल जन्म, अगले जन्म हो या अगले कभी भी हो, जिस जीव को हम सताएंगे वो बिल्कुल बदला तो लेगा ही। इस प्रकृति में क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं रिटर्न में मिलता है, ये संसार प्रतिध्वनि है, हम जो देते हैं वो रिटर्न में मिलता है। अंत में साहब कहते हैं, कहें ही कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। साहब ने कहा है कि हे लोगों सुनो, अगर तुम भूत को पूजते हो, भूत को मानते हो, तो तुम भी भूत हो जाओगे, अर्थात उसी भ्रम में तुम भूत जैसा ही बन जाओगे, तुम्हारे कर्म भूत जैसे हो जाएंगे, तुम्हारे विचार भूत जैसे हो जाएंगे, तुम्हारी रहनी भूत जैसी, अर्थात जो परिकल्पना भूत के लिए होती है, क्योंकि भूत का मतलब तो जो चला गया, पास्ट, जो बीत गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो साहब ने कहा कि कहीं कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। तो भूत अगर नहीं बनना है तो सबसे पहले ये भ्रम मिटा देना है। ना कोई ग्रह है ऐसा जो आप पर चढ़ता है या किसी को रोकता है। वस्तुतः जो हम कर्म करते हैं वही अगर हमारा सही है तो वही हमारे बढ़िया संस्कार बनते हैं, वही पुरुषार्थ बनते हैं, उसी से हम जय या विजय का सामना करते हैं। अगर गलत कर्म करते हैं तो पराजय का सामना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मनोबल के साथ करते हैं, सही लक्ष्य के लिए साथ करते हैं तो सफलता मिलती है। कई बार कुछ चूक होती है, एक आध परसेंट भी, तो हम हारते हैं, असफल होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चलना ही छोड़ दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर हम कोशिश करें तो हार नहीं होगी। तो जीवन में हम सदैव अच्छे के लिए प्रयासरत रहें। शरीर से जुड़े सारे साधन हमारे पास हों, जरूरी है। बढ़िया कपड़े पहनिए, बढ़िया वस्तुएं रखिए, खाने पीने जीने के बढ़िया घर रखिए, लेकिन जो परम बढ़िया है वो हमारा मन होना चाहिए। जब मन सुंदर होगा तो सारी सुंदरता समझ में आती है। अगर मन ही गंदा है तो बाहर कितना भी सुंदर हो, फिर वो रावण वाला हाल है। रावण सब कुछ सुंदर बना रखा था, सिर्फ मन ही गंदा था। और माता सबरी का सब टूटा फूटा था, कपड़े फटे थे, बाहर झोपड़ी थी, मन सुंदर था, इसलिए उनको परम गति प्राप्त हुई। और रावण को थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए देखा उनकी खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। तो इसी के साथ एक भजन सुना दूँ और वाणी को विराम देता हूँ। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जो शरण संत सदगुरु के आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं,
शंख घंटा बजाने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भुलाया नहीं, जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भुलाया नहीं, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानुष कहने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, शंख घंटा बजाने से क्या फायदा। तो इसी भजन के साथ, इसी भजन के भाव के साथ हम आज 10वें दिन के इस कथा को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जय।